हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइनिंग वाले बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग सीखेंगे। इसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये है लाइनिंग। लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। नीचे हम रखेंगे लाइनिंग को और ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक, और इसको हम यहाँ पे कच्चे की सारे में यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई लगाएंगे। टाँका हम बहुत सबसे बड़ा साइज़ रख लेंगे, 5 साइज़ का बड़ा साइज़ का टाँका कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने सारी लाइनिंग अच्छे से लगा दी। इसी तरह हम सारे ब्लाउज़ के जितने पीस हैं सब पर लाइनिंग लगा लेंगे। ये हमारा आगे का एक पीस है, ये ऐसे ही हमने दूसरा पीस पे भी लाइनिंग लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरे पीस पर भी लाइनिंग लगा ली। अब हम इस पर सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। तो जो हमने डॉट के निशान लगाए हैं इस पर हम डॉट लगाएंगे। तो डॉट कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो ये हमारी तीन, 1, 2 और 3, इन तीनों की तो हमारी आधा इंच की प्लेट्स लगेगी, लेकिन ये हमारी चौड़ी जो ये सेंटर वाली सीधी सीधी प्लेट है ये हमारी चौड़ी लगेगी। ये वाली पीस हमारी 1.25 इंच की लगेगी ऐसे। तो सबसे पहले हम ये तीन प्लेट्स लगाते हैं जिसकी मोटाई कम होगी। ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे लेके हमने इस पर डॉट लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेट्स इतनी चौड़ी होगी, इसे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए कप ऐसे हमारा खड़ा हो जाता है। ये देखिए इस तरह हमारा ये कप खड़ा हो जाएगा। ऐसे हमने दूसरी तरफ भी प्लीट लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ भी हमारा लग गया। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। ये हमारे 2 बेल्ट हैं नीचे से, और इसमें हमने लाइनिंग पहले लगा ली है। अब इसे हम इस पर अटैच करेंगे। इसका लगाने का तरीका क्या है, पहले हम इसको ऐसे लगा के देख लेंगे, ऐसे ऐसे लगा के देख लेंगे, और इसको फिर ऐसे करके ऐसे पलट देंगे। ध्यान ये रखना है कि जो ये ऊंची वाली जगह, तिरछी जो जगह है, ये हमारी सेंटर ऐसे आनी चाहिए, कहीं ऐसे ना हो गलती से आप ऐसे जोड़ दें। ऐसे नहीं, ऐसे पहले रख के देख लें। ये देखिए पहले रख के देख लें ऐसे करके, फिर इसको पलट दें ऐसे। अब इसको हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लेट है इसको हमने, इस प्लेट को जो है ये, इसको हमने ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ के और फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए ये जो प्लेट है ना, मेन वाली प्लेट जो सीधी प्लेट है, इसको हमने ऐसे मोड़ना है और इसको ऐसे लगा, यहाँ सिलाई लगेगी इस जगह पर, जिससे कि हमारी प्लेट कभी भी खिंचेगी नहीं और हमारा कप बैठेगा नहीं, कप हमारा खड़ा रहेगा। अगर हम इस तरह लगा देंगे तो कप हमारा बैठ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे मोड़ कर, ऐसे मोड़ के और फिर यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेल्ट लग गई, और जो ये फालतू कपड़ा है इसे हम काट देंगे। अब क्या करेंगे, जो ये हमारी सिलाई, इसको नीचे बिठाने के लिए इस कपड़े को हम मार्जिन को नीचे रखेंगे और एक किनारे की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि बेल्ट हमारी अच्छे से बैठ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी
बेड लगकर तैयार हो गई। ये देखिए इस तरह आपने कोने की सिलाई लगानी है। ऐसे ही हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोनों पीस तैयार हो गए। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारा ये बेल्ट है, जो बेल्ट है बेल्ट के साथ हमारा ये जो सिलाई है, ये सिलाई सिलाई से बिल्कुल मिलनी चाहिए, आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे ना हो, ये और ये प्लीट्स की प्लीट से मिलनी चाहिए। ये देखिए हमारा बिल्कुल प्रॉपर मिल रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर हमारा ज़रा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो ये हमारा ब्लाउज़ अच्छा नहीं लगेगा देखने में और फिटिंग भी सही नहीं आएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्लीट से प्लीट मिलनी चाहिए और बेल्ट से बेल्ट मिलनी चाहिए। अब हम इसमें गला बनाएंगे। गला हम बुकरम वाला बनाएंगे इसलिए हमने पहले इसे नहीं काटा था, अब इस पर हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हमने बुकरम लिया है, इसको हमने डबल कर लिया है, ये 9x8 का बुकरम है। इस पर हम गला पहले ड्रॉ करेंगे। गला है हमारा 7 और चौड़ाई है गले की 3। 3 हमने यहाँ पे निशान लगा देना है, पहले ये 3 लगाया, यहाँ से हम 7 लेते हैं। 7 हम 7.5 लेंगे, क्योंकि 7 और लेंगे तो आधा इंच हमारी सिलाई में भी जाएगा, तो 7 की जगह हम 7.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम इसमें 3 इंच चौड़ाई ले लेंगे ऐसे, और एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा गला बन के तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला बन गया। अब इसके हम ऐसे डबल करेंगे, पहले इसको ऐसे ऐसे डबल करेंगे और इसको बीच में से हम काट देंगे, इसके 2 पीस कर देंगे ऐसे करके, सेंटर निकाल के हम इसके 2 पीस कर देंगे ऐसे 2 पीस करके। अब इसे हम अलग अलग इसको कपड़े पर लगाएंगे, तो लाइनिंग का कपड़ा ले लेंगे ये हम, और इस पर हम गले को एक तरफ ऐसे रखेंगे इस तरह, और जो दूसरी तरफ होगा दूसरा हम ऐसे रखेंगे। ध्यान रखना हमने यहाँ पे कि हमें जो ये आगे से जो चौड़ाई गले की वो 3 इंच पे है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे ऐसे, और इस पर हमें गला रखना है ऐसे ऐसे गला रखना है ऐसे करके, और यहाँ से थोड़ा सा हमें इतना इतना हमें पीछे रखना गला, क्योंकि यहाँ हमारी सिलाई आ जाएगी, तो गले के हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई रखनी है, तो इतना हमें पोर्शन छोड़कर हमें लगाना है इस तरह। दोनों गले हमें ऐसे तैयार करने हैं, यहाँ हमें कच्ची सिलाई लगानी है और फिर मार्जिन काट कर हमें इसको पलट देना है, तो दोनों हम गले तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आगे के दोनों भाग के हमने बुकरम तैयार कर लिए। ये देखिए इसमें हमने थोड़ा सा मार्जिन रखा है छोड़ा, ऐसे हमने इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन रखा है, यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी, और ऐसे ही हमने पीछे का भी गला तैयार कर लिया है, ये हमने 9 इंच पर तैयार किया है। तो अब इस दोनों गलों को पलटेंगे, तो सबसे पहले हम आगे का पीस लेंगे, इसको एक पीस लेंगे, इसको बिछाएंगे ऐसे, और इस पर गला ऐसे रखेंगे ऐसे ऐसे गला रखेंगे। ये देखिए इस तरह गला रखेंगे, और यहाँ पर ऐसे करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना कि दोनों तरफ हमारे गले सेम रहने चाहिए, दोनों हमारे सिलाइयाँ बिल्कुल सामने आने आमने सामने आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए गला ये। अब पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ऐसे भी दूसरे में भी पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने
यहाँ पूरी में सिलाई लगा ली, इसकी भी लगा ली और इसकी भी लगा ली। अब हम एक पैर छोड़ के यहाँ पे कटिंग करेंगे और इस पे कट लगा कर हम इस दोनों गलों को पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी, ये देखिए, ये डॉट से डॉट मिल गई और बेल्ट से बेल्ट, ये देखिए। ऐसे लगा के आपने देखना है, गले को लगा के देखना है आपने कि बेल्ट से बेल्ट यहाँ मिलनी चाहिए और डॉट से डॉट मिलनी चाहिए, गले से गला। ये हमें तीनों चीज़ ध्यान रखनी है, तभी हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। अब ऐसे ही हम पीछे का गला भी तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का गला भी पलट गया। अभी हमने इस पर कच्ची सिलाई नहीं लगाई है, अब इसमें हम आगे के दोनों पीस जोड़ेंगे। तो इसकी कंधी कैसे जोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे इसको, पीछे वाले पीस को पीछे यहाँ पे रखेंगे इसको ऐसे, और इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, ऐसे करके ऐसे पलटेंगे और ये मार्जिन भी ऐसे रखेंगे। और यहाँ पर हम सीधी यहाँ पे सिलाई दो बार लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे कंधी जुड़ जाएगी और ये जो मार्जिन है ये अंदर छुप जाएगा, ऐसे करके लगा देंगे। इस तरह हमारी ये कंधी जुड़ गई। अब हम जो आगे के पीस हैं दोनों, इन दोनों पर एक जगह बड़ा पट्टी और दूसरे में हमने सिंपल पट्टी लगानी है जो अंदर मुड़ जाएगी। तो बड़ा पट्टी जो लगेगी वो हमारी लगेगी उल्टी तरफ। ये हमने 3-3 इंच के दो पीस ले लिए हैं, तैयार कर लिए हैं लाइनिंग लगाकर। इसमें दोनों तरफ लाइनिंग लग गई है, अब इसको हम ब्लाउज पर लगाएंगे। तो उल्टी तरफ पहले हम बड़ा पट्टी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हुक पट्टी लग के तैयार हो गई। अब हम इस पे जो बॉटम है, बॉटम की हम 14 इंच पे लगाकर लंबाई हम इसको फोल्ड करेंगे सारा ऐसे करके। ये मेरी हुक पट्टी लग गई, बॉटम मुड़ गया। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लेंगे हम नाप लेंगे, यहाँ से हमारा चेस्ट है 36 का चौथा हो गया 9, तो यहाँ पर हम 9 पे निशान लगा देंगे। और कमर है हमारी 29, तो यहाँ पे हम उसका चौथा लगाएंगे 7.5 पे यहाँ पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर इसको हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, इस तरह हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हुक पट्टी इसको छोड़ते हुए निशान लगाएंगे वहाँ, तो ये बड़ा पट्टी है, बड़ा पट्टी को हटाकर यहाँ से इस जगह से नाप लेंगे। यहाँ से हम 7.5 लेंगे कमर का और फिर यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे इस बड़े पट्टी को हटाते हुए। यहाँ से ये हम ऐसे खींचते हुए ऐसे लेंगे और यहाँ पे 9 इंच पे यहाँ पे हमारा ये निशान लग जाएगा। और इसको आपस में निशान लगाकर अब इसको हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज का बॉटम मुड़ गया। अब इस पर हम बाजू लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये हमने बाजू तैयार कर रखी है, इस पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो बॉटम है, बॉटम हमारी 5.5 है, तो 5.5 पर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे 5.5 पर हम निशान लगा देंगे ऐसे। और आर्म और हमारा है 7.5, तो यहाँ से हम इस पर निशान लगा देंगे यहाँ से
और इसको आपस में जोड़ देंगे। ऐसे हम इस पर निशान लगा देंगे। साढ़े पाँच बॉटम का, और यहाँ से हम लाएंगे 7.5 पे निशान लगा देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम ब्लाउज को सीधा रखें कैसे और उसको देख लेंगे नाप कर कि हमारी बाजू पूरी आई लग रही है या नहीं लग रही। ऐसे करके नाप के देख लेंगे हम। ऐसे ये देखिए, इस तरह हमें नाप के एक बार देखना है और फिर हमें बाजू को लगाना है। ये देखिए, ये हमारी बाजू पूरी लग रही है। अब इसको हम पहले ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, यहाँ ब्लाउज़ को करेंगे ऐसे ऐसे उल्टा और बाजू को इसके अंदर डालेंगे ऐसे। सेंटर का सेंटर निशान लगाएंगे, ये देखिए, ये सेंटर सेंटर निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर इसको गोलाई में पूरी में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी बाजू लग के तैयार हो गई। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बाजू लगी है। ये देखिए कहीं झोल नहीं, कहीं कुछ नहीं। ऐसे आप पहले आप चेक कर लेंगे बाजू, तो आपकी भी बाजू इससे लगेगी। अब ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी बाजू लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारी दोनों बाजू लग के तैयार हो गई। कितना नीट एंड क्लीन से हमारी बाजू लग गई हैं। और ये देखिए कितनी से हमारी फिटिंग आई है। ये देखिए हमारी बेल्ट से बेल्ट मिल गई और ये जो डॉट से डॉट मिल गई। इस तरह हमारा बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।